देश के विभिन्न प्रदेशों से घर वापस लौट रहे अप्रवासी मजदूरों के लिए ब्लॉक कांग्रेस बड़ा मलहरा द्वारा कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के सहयोग से कांग्रेस की रसोई पिछले दो दिन से अनवरत जारी है। जानकारी के मुताबिक विभिन्न शहरों से जो लोग पैदल आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, चार पहिया वाहन से घर वापस जा रहे हैं, अप्रवासी मजदूरों के लिए यहाँ रोक कर भोजन की व्यवस्था की जा रही है। तो वहीं बरगुरैया माता मंदिर के सामने कांग्रेस रसोई जारी है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र दीक्षित, जिला कांग्रेस महामंत्री सुशील मोदी, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सफीक खान, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष वीर सिंह परमार, धन प्रसाद असाठी, कमलनाथ फैंस क्लब के जयप्रकाश देवड़िया, मंटू जैन और अन्य लोग हैं जो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़कर सहयोग दे रहे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बिजावर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नरेंद्र दीक्षित, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। अच्छा, क्या ये कांग्रेस की रसोई चल रही क्या? हाँ, ये कांग्रेस की रसोई है। हमारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, उपाध्यक्ष सम्मानित श्री राहुल गांधी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी की मंशानुरूप जब इस समय पूरा देश, पूरा विश्व वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए अप्रवासी मजदूर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, उन्हें बहुत ही कष्ट हो रहा है, कठिनाई हो रही है, ऐसे में हम लोग सामाजिक जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए यहाँ पर हमने कांग्रेस की रसोई नाम से रसोई प्रारंभ की है, जिसमें हम यहाँ से निकलने वाले चाहे वो पैदल मजदूर हों, दोपहिया वाहन से हों, साइकिल वाले हों, चार पहिया वाहन से हों, उन सभी को रोक करके हम यहाँ पर हमारे सभी कांग्रेस के साथी उनको खिचड़ी, ताज़ी खिचड़ी, फल फ्रूट और बच्चों को बिस्किट उपलब्ध कराते हैं।